नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। शिवनी मालवा कांग्रेस कमेटी सह प्रभारी मध्य प्रदेश संजय कपूर का शिवनी मालवा नगर आगमन में भव्य स्वागत किया गया एवं आतिशबाजी, पुष्प वर्षा एवं मालाओं से स्वागत किया गया। पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी के निवास स्थान में भव्य स्वागत किया गया एवं प्रेस वार्ता भी की गई। प्रेस वार्ता में संजय कपूर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए और तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है एवं बदलाव का मन बना चुकी है, क्योंकि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था से आम जनता बहुत ही परेशान हो चुकी है। इसीलिए आम जनता ने मन बनाया है कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से आएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफी बदलाव आया है एवं उनकी इस यात्रा से पार्टी को मजबूती भी मिली है। वहीं कांग्रेस पार्टी की दो गुटबाजी को लेकर भी चर्चा की गई। शिवनी मालवा में गुटबाजी हर जगह देखने को मिलती है, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, मंच का क्षेत्र हो या आम आदमी के बीच में सामंजस्य का नेतृत्व हो। शिवनी मालवा में दो गुटबाजी देखी जा रही है। इसी विषय को लेकर संजय कपूर से सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे। संजय कपूर पूर्व विधायक के निवास स्थान के बाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस वनापुरा पहुंचे, जहां ब्लॉक अध्यक्ष विजय पटेल एवं कांग्रेस पार्टी महासचिव राधेश्याम पटेल एवं कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से भेंट एवं चर्चा की। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। इस अवसर पर समस्त कांग्रेसी उपस्थित रहे। अति उत्साहित नजर आ रही है, कैसे देख रहे हैं आप 2023 और 24? देखिए, ये बात सच है। सबसे पहले तो मैं कर्नाटक की जनता को प्रचंड जीत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जो मुखौटा लगाते थे वो जाति में बांटने का, बरादरी में बांटने का, कौम में बांटने का, वो जनता ने उसे रिजेक्ट कर दिया और जनता ने दिखा दिया कि अब तरक्की और विकास और भाईचारे की बात करेंगे, भ्रष्टाचार को तो समाप्त करेंगे। और जो आज हालात मध्य प्रदेश के हैं, बिल्कुल उसी तरीके के हालात गुजरात में भी थे। वहाँ भी बदलाव का मन था और यहाँ भी बदलाव का मन है, क्योंकि आदमी ऊब चुका है भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, महंगाई से और कानून व्यवस्था से सबसे दुखी है और प्रताड़ित है। और मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है। मैं आज सुबह से निकला हुआ हूँ, पहले होशंगाबाद जिले के दाड़ावाड़ा में रहा, फिर सुहागपुर, बलखेड़ी और तीन चार जगहों में। कितना फर्क पड़ा है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी का इस बार? तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा। राहुल जी ने ऐसा जो जनता के प्यार है उससे बहुत ज़्यादा भारत जनता के बीच आगे एहसास हो गया। और जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी ने बौखलाहट में इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी के साथ किया है, मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। देश के लोकतंत्र के लिए सबसे ताला देने वो, जब आप किसी भी लोकतांत्रिक परंपरा को ख़त्म करेंगे भाई, लोकतंत्र तो तभी जीवित रहेगा जब आप विपक्ष के लोग आपसे सवाल पूछेंगे। स्वच्छ लोकतंत्र तो वही होता है। राहुल जी का क्या दोष था? उन्होंने यही तो पूछा था कि मोदी जी बताएं कि अडानी जी से उनका क्या संबंध है, या 20,000 करोड़ रुपये जो शेल कंपनी में वो किसका है, यही तो सवाल था। लोकसभा में यही पूछ रहे थे, तो जो लोकसभा में सवाल आपसे पूछेगा उसे आप लोकसभा से बाहर कर देंगे, ये कैसे चलेगा? ये लोकतंत्र तो खत्म हो रहा है। आप शिवनी मालवा आए हैं, शिवनी मालवा तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि विगत 15 सालों से यहाँ पर कांग्रेस? देखिए, वक्त और जब हालात आती है तो सब कुछ ठीक होता। मैं भी पिछले लगभग 5 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया मध्य प्रदेश की पार्टी में काम, और लगभग सभी जिलों में मैं जो पार्टी के लिए काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो मैं हालात इस समय देख रहा हूँ, पिछले 2018 के चुनाव में मैं यही इसी प्रदेश में, आज जो मैं देख रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है। शिवनी मालवा से अरुण कश्यप की खास खबर। और भी ऐसे ही खास जानकारी के लिए बने रहें डीवी न्यूज पर।